ठीक गाइस वेलकम टू माय चैनल क्लासी स्टाइल टिप्स विद शिखा हाजिर हूँ मैं आप लोग के पास एक नई वीडियो लेके आज की वीडियो में हम करेंगे हेयर ऑयलिंग हेयर ऑयलिंग करने के लिए मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसमें ऐड कर दिया है एलोवेरा जेल बिकॉज मैं कंडीशनिंग नहीं करती हूँ सो so, सबसे पहले मैं अपने बालों को दो पार्ट में अलग कर लूँगी एंड देन कॉम करूँगी जिससे मेरे बालों के टैंगल रिमूव हो जाए और हाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं इस बालों में ब्रेड बनाने वाली हूँ बिकॉज आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि मैं ब्रेड बनाऊँ तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं सिंगल ब्रेड बना के आपको दिखाऊंगी बिकज़ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड कर दी थी और आप लोग बोल रहे थे कि ऑयलिंग चैलेंज करने के लिए तो मैंने दो ऑयलिंग चैलेंज किया था आपको तो पता ही होगा कि कितना ज़्यादा मैश हो गया था उसमें है ना आप लोग को बहुत पसंद आया था आपने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था तो उसके लिए थैंक यू सो देखिए टैंगल रिमूव हो चुके हैं मैं अब एलोवेरा जेल जो है उसे ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी एंड देन ऐसे आपको दो पार्ट में बालों को अलग करना है देखिए आपको इसे मेरे यहाँ तो इसे मांग बोलते हैं आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं इसे निकालनी है मांग निकालनी है एंड देन उस पर ऑयल अप्लाइड करना है आपको और यही प्रोसेस आपको अपने पूरे बालों में करनी है ठीक है ये प्रोसेस ऐसा मुझे दादी मेरी कर करने बताया करती थी बिकॉज़ वो मेरे बालों में ऑयलिंग करती थी सो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे इससे क्या होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है और आपके हेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लेंथ अच्छी होती है ग्रो अच्छे होते हैं और हेयर है फॉल नहीं होता है सो आपको प्रॉपर इसी प्रोसेस से आपको हेयर ऑयलिंग करनी है तो so, सबसे पहले हम अपने बालों में पूरे बालों में इस तरह से करके स्कैल्प uh, पे ऑयल लगाएंगे एंड देन मसाज करेंगे मैं मसाज का भी स्टेप आपको बताऊंगी तो देखिए आपको ऐसे लगाना है कि स्कैल्प पे कोई पार्ट रह ना जाए अभी मैं स्कैल्प के ऊपरी हिस्से पे खाली ऑयल लगा रही हूँ एंड देनी देखिए एक पार्ट में ऑयल लग चुका है अब सेकेंड पार्ट में लगने वाला है दूसरी साइड पे, सो so, उसमें भी आपको मांग निकालनी है एंड देन ऑयल ले के अपने फिंगर टिप की हेल्प से आपको लगाना है देखिए और हाँ आपको बिल्कुल हार्श नहीं होना है अपने बालों के ऊपर है ना और बिकॉज क्या हो रहा है ना कि इस समय बाल बहुत टूट रहे हैं अगर आप हार्श होगे तो बाल ज़्यादा निकलेंगे आपके और ऑयलिंग करने से होता ये है कि जो है डैंड्रफ नहीं होते हैं अगर आपका स्कैल्प जो है प्रॉपर मॉइस्चराइज है देन आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होंगे आपके हेयर फॉल नहीं होंगे मैं तो कभी कंडीशनिंग भी यूज़ नहीं करती और मेरे बालों की क्वालिटी ठीक ठाक है अच्छी क्वालिटी है मेरे बालों की सो आप भी ये रूटीन फॉलो करें जब भी आप हेयर वॉश करें उससे पहले कम से कम दो घंटे पहले आपको लगाना ही है ऑयल देखिए मेरे हाफ स्कैल्प पे ऑयल लग चुका है अब मैं नीचे की साइड ऑयल लगाऊंगी सेम प्रोसेस के साथ सो so, पूरे स्कैल्प पे ऑयल लग चुका है अब हम बालों का जो अंडर पार्ट है यानी कि जो नीचे का एरिया है उस एरिया में ऑयल लगाएंगे देखिए और आपको अपने पूरे बालों पे ऑयल लगाना है जावेद हबीब ने कहा है ना जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है कंडीशनिंग का काम करता है सो मैं वहीं से ये चीज़ें फॉलो करती हूँ तो जब मैंने अपनाया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला आपको पूरे बालों पर लगाना है देखिए पूरे बालों पर ऑयल लग चुका है मेरे देन अब हम करेंगे मसाज मसाज आपको फिंगर टिप की हेल्प से करनी है मसाज करते टाइम ऐसा लगता है ना कि सो जाए इंसान तभी बहुत अच्छा हो मुझे बहुत नींद आती है इसलिए मैं मोस्टली जो है अगर मुझे तुरंत हेयर वॉश नहीं करना होता है इमरजेंसी में तो मैं रात में ही ऑयल लगा के सो जाती हूँ एंड देन मॉर्निंग में उठ के हेयर वॉश करती हूँ ठीक है आपको फिंगर टिप की हेल्प से ही करना है और आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है जब आप मसाज करते हो ना आपके ब्लड ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी काम करने लगती है अच्छे से होने लगता है एंड जो आपकी सेल्स होती हैं वो सब एक्टिव हो जाती हैं सो so जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होता है आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है डैंड्रफ नहीं होते हैं आपको है ना आपको स्कैल्प पे ऊपर मसाज करना है और नीचे साइड भी आपको मसाज करना है पूरे हेयर पे आपको मसाज करना है ये मसाज ऑलमोस्ट आपको 15 मिनट तक करनी है कम से कम आपको पंद्रह मिनट तक ये मसाज करना ही है से कम नहीं अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए और ऑयलिंग हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और आप अपने बालों में ऑयलिंग ज़रूर करें और गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ कभी कभी ऑयलिंग करने के तरीके की वजह से अगर हम आप गलत तरीके से ऑयलिंग कर रहे हो देन आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आपको ऑयलिंग तो करनी है आपको सही स्टेप से ऑयलिंग करनी है अच्छी तरीके से देखिए आपको ऐसे ही अपने बालों पे रब करना है अपने फिंगर टिप से जिससे ऑयल जो है ना ऑब्जॉर्ब हो जाए सो so, आपको तो याद ही होगा ना मेरा हंड्रेड एम एल ऑयल चैलेंज एंड फिफ्टी एम एल ऑयल चैलेंज इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोग को बहुत पसंद आया था और बहुत ज़्यादा वश हो गई थी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई आप लोग को बहुत मज़ा आया आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर लेकिन इसमें बाल बहुत ऑयल बहुत कम है तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे इतना तो मैं हमेशा ही लगाती हूँ देखिए अब मैं कॉम कर लूंगी बिकेस मैंने आपसे बोला था कि मैं ब्रेड बनाऊंगी जी हाँ मैं ब्रेड बनाऊंगी मैं दिखाऊंगी कि मैं ब्रेड कैसे बनाती हूँ मेरे बाल लेयर में कटे हुए हैं तो मुझे ब्रेड बनाने में प्रॉब्लम होती है बट मैं बनाऊंगी सो so, देखिए आप अच्छे तरीके से कॉम कर लें एंड देन मैं अपने बालों को तीन पार्ट में अलग कर लूंगी एंड देन मैं ब्रेड बना लूँगी so, बन चुकी है मेरी ब्रेड तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ब्रेड कैसे लगी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा सो so, मेरे बालों में ऑयलिंग हो चुकी है ब्रेड बन चुकी है तो धन्यवाद